हेलो बच्चों, आज आप अकारान पुल्लिंग शब्द जो आपने पहले भी पढ़े थे लेकिन उनका एक वचन पढ़ा था, जैसे मत्स्याह, नराह, मृगाह, सिंघाह, इस तरह के शब्द आपने एक वचन में पढ़े थे। एक वचन यानी एक की संख्या वाला। आज अकारान पुल्लिंग शब्द द्विवचन अध्याय चार में आप पढ़ते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बालकहो। बालका माने एक बालक, बालको दो बालकों का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें इसका मतलब होता है दो बालक। महिषो दो भैंसे चित्र में दिखाई पड़ रही हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। महिषो महिषा शब्द का द्विवचन है। वत्सो माने बछड़ा, दो बछड़े हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, वत्सा माने बछड़ा और वत्सो माने दो बछड़े। हरिणा एक शब्द एक वचन है, लेकिन यहाँ पर दो हरिण यानी दो हिरण दिख रहे हैं, इसलिए हरिणों द्विवचन का शब्द है। चित्रको यानी दो शेर दिखाई पड़ रहे हैं आपको यहाँ पर, इसलिए दो वचन को प्रयुक्त करने वाला चित्रको शब्द यहाँ पर दिया गया है। दो हाथी दिख रहे हैं। गजा गजा एक वचन अकारान पुल्लिंग शब्द आपने पढ़ा था, दो हाथी होने के कारण ये द्विवचन गजो शब्द से प्रयुक्त किया जा रहा है। दो पुरुष देख रहे हैं अगले चित्र में आप। नरह एक वचन, नरो माने दो पुरुष द्विवचन। दो वानरह एक वानर, वानरो माने दो वानर। मूषकः मूषक एक वानर, मूषका एक चूहा और मूषको माने दो चूहे। इसी तरह वटो देख रहे हैं आप। वटो माने दो वृक्ष, दो हाथ दिखाई पड़ रहे हैं चित्र में। हस्तो हस्ता है एक वचन एक हाथ, और हस्तो द्विवचन यानी दो हाथ। इसी तरह विषाणा माने एक सींग और विषाणो माने दो सींग। तो जिस शब्दों को आप इस चित्र के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो सभी दो की संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए ये ड्यूअल नंबर होने के कारण द्विवचन है। द्विवचन में अकारान पुल्लिंग शब्दों को द्विवचन बनाने के लिए अंतिम वर्ण पर औ की मात्रा लगाई जाती है। जैसे अश्व एक वचन, अश्वः शब्द है, और जब उसे हम द्विवचन में बनाते हैं तो उसे अश्वो कर देते हैं। इसी तरह सिंघः द्विवचन में आकर के सिंघो हो जाता है। गजः द्विवचन में आकर के गजो हो जाता है। आगे के अभ्यास प्रश्न के माध्यम से आप इसे और भी अच्छे से समझ सकेंगे। थैंक यू क्लास।